गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं? क्ष, क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय. जी हाँ, तो अभी तक हमने जो लास्ट वीक में क्या किया था, श, श, स, ह, और अब क्ष, क्ष, श, क्षमा, क्ष, क्षत्रिय. ठीक है, तो श क्षत्रिय कैसे लिखेंगे? देखने में आपको लग रहा होगा कि कितना टफ होगा, लेकिन नहीं है. इसको आपने देखो कैसे बनाना है. पहले आपने एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, ठीक है, लगा ली. हाँ, अब उसके बाद आपने यहां से थोड़ा ऊपर से, सेंटर से भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन लेनी है, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और उसके ऊपर एक गोल बनाना है. ऐसे करके ये बना दिया आपने गोल. अब उसी के साथ यहां से लेकर आपने द बना देना है, द दबात. द दबात बनाते हो ना आप? द दबात तो आता है आपको बनाने, आप ऐसे करके बनाते थे, है ना? लेकिन आपने यहाँ पे ये डंडा नहीं लेना, सीधे वहीं से जोड़ के सीधे आपने उसको ऐसे गोल कर देना है. तो आपका बन जाएगा क्ष. बन गया. फिर से देखें एक बार, स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ऊपर छोटा सा गोल, और फिर द दवात बना देना उसके साथ ही ऐसे. ये बन गया आपका क्ष. ये बनाने का तरीका समझा रही हूँ बस, ठीक है. तो देखिए फिर से ऐसे स्लीपिंग और गोल और नीचे से द, बन गया क्ष. ओके, तो आपने इसी ट्रिक को फॉलो करना है ताकि आपको इजीली ये लिखना आ जाए, ठीक है. कैसे लिखा हमने? पहले स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग, फिर छोटा गोल, और फिर द, बन गया हमारा क्ष. ओके, ओके, थैंक यू.